नाउ अगर इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, पहले वो देखो ताकि बेटर अंडरस्टैंड कर पाओ। सो हम डिस्कस कर रहे थे एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी होती है जो कि है सेव इन 20s टू एंजॉय इन 30s एंड हेयर आर सम टिप्स और स्टेप्स टू फॉलो। सेट क्लियर गोल्स, चाहे घर खरीदना हो, ट्रैवल करना हो, फर्दर एजुकेशन परस्यू करनी हो, जो भी हो क्लियर गोल सेट करो। नेक्स्ट अपना बजट बनाओ, अपनी इनकम, अपने एक्सपेंसेस, अपनी सेविंग्स सबका अकाउंट रखो। इससे होगा क्या, आप एक ट्रैक रख पाओगे और काफ़ी बार हमें उस टाइम पता नहीं चलता लेकिन बाद में सोचते हैं कि ये एक्सपेंस इग्नोर किया जा सकता था, एंड इसके लिए बेस्ट है डायरी मेंटेन करो। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से एक इमरजेंसी फंड बनाओ जिसमें एटलीस्ट 3 to 6 months का एक्सपेंस कवर हो। बस याद रखना लिक्विड एसेट्स में डालो ताकि जल्दी ही पैसा निकाल पाओ, एंड इसे चाहे FD में रखो या एक अलग अकाउंट बना लो, बट आई प्रेफर इसे MobiQuick का जो 12% का ऑप्शन है उसे यूज़ कर सकते हो, जहां आपको एनुअल 12% इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और पैसा सेफ भी रहेगा और जब चाहोगे निकाल भी पाओगे, या अपस्टॉक्स ग्रो जैसी एप्लीकेशन यूज़ करके म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर MobiQuick एक्स्ट्रा में इन्वेस्ट करना है 12% इंटरेस्ट के लिए या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर सकते हो एंड अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हो। बट लेट मी टेल यू थोड़ा बहुत रिस्क इनमें इन्वॉल्व रहता है लेकिन लॉन्ग टर्म गेम खेलोगे तो बेटर ऑप्शन है। बट याद रखना ये इमरजेंसी फंड है तो इसकी तरफ तभी देखना है जब इमरजेंसी हो। नेक्स्ट सेव फॉर रिटायरमेंट, जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री होने की कोशिश करो ताकि बाकी लाइफ वो कर पाओ जो आप करना चाहते हो एंड पैसों के लिए और काम ना करना पड़े। आपको काम करने में मज़ा आ रहा है इसलिए आप काम करो, ना कि पैसों के लिए काम करो। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑटोमेट सेविंग्स ताकि वो अंदर से अर्ज आए ही ना कि पैसा पड़ा है खर्च कर देते हैं। नेक्स्ट वुड बी एलिमिनेट हाई इंटरेस्ट डेट, ये बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है, इसके पीछे मत पड़ो। EMI से जितना हो सके बचो, हो सके तो EMI को अवॉइड ही करो, बेटर ऑप्शन है। और इन्वेस्ट करो वाइजली ताकि जो रिटर्न आप इंटरेस्ट के तौर पर दे रहे थे वो अब आप खुद ले पाओ। और अब लिव फ्रूगली, कंजूस बन जाओ, दुनिया चाहे कुछ भी बोले दुनिया आपको खाना नहीं देगी। अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जैसे जैसे इनकम ग्रो होती है ना लाइफस्टाइल बढ़ाने लगते हैं लोग, बजाय एक्स्ट्रा मनी को सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट में डालने के। अपने 20s में जो ये सीख गया कि कहाँ पैसा कट करना है और उस फंड को सेविंग्स में रीडायरेक्ट करना है, उसकी लाइफ सॉर्टेड है। और ऐसा नहीं करना तो आई हैव टोल्ड यू इंक्रीज योर इनकम, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू इंक्रीज योर इनकम सच एज परस्यूइंग करियर एडवांसमेंट, साइड हसलिंग और फ्रीलांस वर्क। फाइनेंस वैसे तो लिमिटेड है, अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड रिपीट, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली एजुकेट योरसेल्फ कि क्या नया चल रहा है एंड हाउ कैन आई टेक एडवांटेज ऑफ दैट। और बीच बीच में रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स एंड एडजस्ट योर प्लान, क्योंकि सर्कमस्टांसिस चेंज होते रहते हैं तो बेटर है कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को बीच में देखते रहो और प्लान को थोड़ा ऊपर नीचे करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। द मोर यू नो द बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस यू कैन मेक। नाउ रिमेंबर दैट फाइनेंशियल प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है एंड डिसिप्लिन इज द की। एक बार जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो सोचो आपका है ही नहीं। अपने 20s से ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बिल्ड करो जो आपको 30s और उसके बियॉन्ड भी सिक्योरिटी दे पाए। नाउ अगर आपको खर्च भी करना है और फ्यूचर इन्जॉय भी करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है जो कि है अर्न मोर। देखो सैलरी नॉर्मल है उससे ये सब पॉसिबल नहीं है राइट, क्योंकि डेली लाइफ के एक्सपेंसेस होते हैं और वो तो होंगे ही, उसमें कोई इफ बट नहीं है। या तो सैलरी आपकी इतनी अच्छी हो कि आप दोनों चीज़ें कर सको, सेव भी और इन्जॉय भी। सेकेंड वुड बी स्किल्स अपग्रेड करो और एक अच्छी सैलरी की जॉब पाओ, या फिर एक साइड हसल शुरू करो और सिर्फ जॉब की सैलरी के भरोसे मत बैठो। सिंपली ज़्यादा पैसा कमाओ ताकि फाइनेंशियली फ्री भी होते रहो और अपनी डिजायर्स भी पूरी करते रहो। अब ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है लेकिन फिर भी इतना हो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद भी आपके पास अच्छा खासा, इनफैक्ट बहुत अच्छा खासा अमाउंट बचे। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फॉर एनी सजेशंस और क्वेरी कमेंट बॉक्स इज ओपन, ड्रॉप योर कमेंट्स। एंड इसी तरह की और हेल्पफुल वीडियोस के लिए, सेल्फ ग्रोथ की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स। और हाँ, 24 घंटों में से 1 घंटा खुद के नॉलेज पे जरूर देना। और अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिर्फ 399 में, जिसमें आपको एक पेपर बैक बुक मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो कि आपके एड्रेस पे डिलीवर हो जाएंगे। हम सिर्फ चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखो बिकॉज दैट इज द फ्यूचर। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, स्टे कनेक्टेड टू योर रूट्स।